दोस्तों, आज मैं एक परिवार, संगठित परिवार, सुखी परिवार, आनंदित परिवार, इस पर चर्चा करना चाहता हूँ। इस पर चर्चा में मैं लेता हूँ एक छोटा परिवार, पति पत्नी, एक बच्चा, सीनियर सिटीजन दो। पहला आनंद ये बहू उठी है, सुबह सुबह उसने सबको चाय पिलाया, बहुत प्रेम से चाय पिलाई, बच्चों को तैयार किया, पति की तैयारी करी, अपनी तैयारी करी, क्योंकि दोनों नौकरी पेशा है, और फटाफट तैयारी करी, तैयारी करके सबको पिला के, चाय पिला के, आनंद पूर्वक सबसे हाल चाल पूछ के निकल गए। अब इस परिवार जब शाम को इकट्ठा होता है तो कोशिश ये करनी चाहिए आपको, अगर इस परिवार को संगठित रखना है, इसमें प्रेम रखना है, भातृत्व भाव रखना है, भाईचारा रखना है, बहुत सुख रखना है, शाम को जब इकट्ठे होते हैं तो शाम की चाय आप एक ही टेबल पर पिए, एक दूसरे से चर्चा करें, आज दिन कैसा बीता, बच्चे के स्कूल में क्या हुआ, माँ बाप ने दिन कैसा बिताया, तो वास्तव में रखिए। और रात का भोजन दोस्तों याद रखो, डाइनिंग टेबल पर ही लें, हरेक अपने अपने कमरे में न ले। बड़ा आनंद आता है अगर डाइनिंग टेबल पे भोजन एक साथ करते हैं तो, उसमें एक दूसरे के सुख दुख की बातें हो जाती है, दिन भर की चर्चा हो जाती है, और प्रेम से सब अपने अपने बिस्तर पे चले जाते हैं, बच्चे अपने काम पे चले जाते हैं, पढ़ाई पे चले जाते हैं, यहाँ एक बहुत ही आनंद आता है। कोरोना काल में ऐसा परिवार बहुत ही ज्यादा विकसित हो गया था, जब सब कमरे में बंद रहते थे, एक दूसरे से हाल चाल पूछते थे, लूडो खेलते थे, कैरम खेलते थे, हमें ये मालूम होता था किस कॉर्नर में हमारा पेन रखा है और कहाँ मेरी टाइपिन रखी है, और नहीं तो हम दूसरे पर डिपेंडेंट रह के चलते थे। अब एक इसका दूसरा पहलू हम लेके चलते हैं, ये परिवार जहाँ सकारात्मक है, सकारात्मकता है, ये परिवार बहुत अच्छा है। एक दूसरा परिवार का हम उदाहरण लेके चलते हैं जहां नकारात्मकता है। पत्नी सुबह सुबह नाश्ता तैयार कर रही है, बेटे का टिफिन तैयार कर रही है, बेटे का कपड़ा तैयार कर रही है, पति के लिए कुछ तैयारी कर रही है, और सीनियर सिटीजन के लिए चाय बना रही है, और बड़बड़ाती जा रही है, तुम ये नहीं करते, तुम ये करो, तुम वो करो, बच्चे के ऊपर भी लेक्चर दे रही है पूरी तरह। इसी बीच में सीनियर सिटीजन में से एक ने कहा, बहू मेरा चश्मा देखा है क्या। दूसरा पहलू, जब दादा दादी घर में है, दादी एकदम से पूछती है, बहू मेरा चश्मा देखा है क्या। बहू बिदक के बोलती है, कहां कहां क्या सामान रख देती है, कोई पता नहीं रहता है, कुछ नहीं है, सुनो जी जरा क्या चश्मा ढूंढ के देना। पति बोलता है, ये सामने तो चश्मा रखा है, अंधी हो क्या, दिखाई नहीं पड़ता, दे दिया। अब दूसरा पहलू देखिए कि जैसे ही पत्नी बच्चे को लेक्चर देती है कि बेटा स्कूल में ये करना, तो बच्चा एकदम गुस्से में बोलता है, दिन भर बकबक बकबक करती हो, मेरा कान खा लिया, मेरा सर खा लिया, पता नहीं तुम्हारी इस बकबक से माँ कब छुट्टी मिलेगी। माँ सन्न हो गई। इतने में पति देव बाहर आए और उन्होंने पूछा, बेटा मेरा चश्मा देखा क्या। बेटे ने उसी अंदाज में जवाब दिया, ये सामने तो चश्मा पड़ा है, अंधे हो क्या पापा, दिखाई नहीं पड़ता। अब पापा भी सन्न हो गए, उन्होंने कहा, आज के लिए क्या सीख रहे हो। उस बच्चे ने कहा, कहीं और से नहीं सीख रहा हूं पापा, मम्मी कहीं और से नहीं सीख रहा हूं, इसी परिवार से सीख रहा हूं, जो व्यवहार आप दूसरों के साथ कर रहे हो वही तो मैं सीख रहा हूं। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय साथियों, मेरे परिवारजनों, इस बात का ध्यान रखो, बच्चे की पहली पाठशाला परिवार होती है। आप उसे दोष मत दो कि वो स्कूल से क्या सीख के आया, आप उसमें परिवार में जो संस्कार देंगे, परिवार में जो अच्छी बातें समझाएंगे, जो सकारात्मक बातें करेंगे, उसके सुख दुख की बातें करेंगे, वही उसकी पहली पाठशाला है, जीवन भर वो उसको निभाना चाहेगा। ओशो ने बहुत अच्छी बात कही है, ओशो ने कहा, अगर बार बार कहोगे बच्चे से ये मत करो, उतनी बार वो आप उसको अपना दुश्मन बना रहे हो। बच्चे से कहो ये करो, हमेशा सकारात्मक रूप में बात करो, पॉजिटिविटी में बात करो, बच्चा भी खुश रहेगा, मेरी माँ मुझे पॉजिटिव बात करी, मेरे पापा मेरे पॉजिटिव बात कर रहे हैं। बच्चे के साथ आप उसी प्यार से रहो, परिवार में उसी साथ से रहो, अपने माँ बाप के दादा दादी के साथ बहुत ही प्रेम व्यवहार रखो, वास्तव में मान के चलो कि आपका परिवार एक सुखी परिवार,
संगठित परिवार, आनंदित परिवार होगा जिसकी चर्चा लोग करेंगे कि कितने अच्छे व्यवहार के लोग हैं, क्या सदव्यवहार है, क्या संस्कार है बच्चों में, सारी बातें होंगी। तो इसलिए मेरे दोस्तों आपसे एक ही गुजारिश है, परिवार में प्रेम रखो, संगठन रखो, सकारात्मक ढंग से रहो, बच्चों के सामने बिल्कुल सकारात्मक बातें करें, संस्कार की बातें करूं। नमस्कार।